हिरासत में लिए जाने से नाराज पाटीदार आंदोलनकारियों ने सूरत के बीआरटीएस बस स्टैंड पर बस में आग लगा दी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि उनके समर्थकों ने विरोध में आगजनी की है, हालांकि हार्दिक ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताया है। तो गुजरात में पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल, जिनको हिरासत में लिया गया था, भूख हड़ताल पर वो थे, जिसके बाद और भी समर्थकों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन हिरासत में लिए जाने के बाद माना ऐसा जा रहा है कि समर्थकों की एक गुंडागर्दी देखने को मिली, बस स्टॉप पहुंचे और इस बस को आग के हवाले कर दिया। हालांकि हार्दिक पटेल की तरफ से इनकार किया गया। हार्दिक पटेल का यह कहना है कि यह हरकत असामाजिक तत्वों की है। लगभग 130 से ज्यादा समर्थकों को, आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया, हार्दिक पटेल को भी हिरासत में लिया गया और उसी को लेकर ये नाराजगी देखने को मिली। बस को किस तरीके से फूंक दिया गया उसकी तस्वीर सूरत की देखिए। हार्दिक पटेल लगातार राज्य सरकार को लेकर आक्रामक रुख अपनाए, अपनी भूख हड़ताल में दिखे। ये भी कहा कि ये तानाशाही सरकार है, भूख हड़ताल से डरती क्यों है, और यही सब चीजों को लेकर भूख हड़ताल हो रही थी, विरोध जताया जा रहा था, जिसके बाद हिरासत में हार्दिक पटेल को लिया गया और उसके बाद की ये तस्वीर देखने को मिली। और सीधा हम अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, हालांकि हार्दिक पटेल इनकार कर चुके हैं सीधे, उनका ऐसा कहना है कि यह हरकत असामाजिक तत्वों की है, लेकिन अब इस पर पुलिस का स्टेटमेंट क्या है? पूर्णिमा, जैसे लग रहा है ऐसे कि एक बार फिर से पाटीदार और सरकार आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल ने उपवास को लेकर कई दिनों से आंदोलन छेड़ रखा है और इसको लेकर उन्होंने राज्य व्यापी जो है ना रैलियां की हैं, पूरे राज्य का दौरा किया है और अब वो किसानों के मुद्दे को लेकर 25 अगस्त से अनशन करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। और जब इजाजत नहीं दी तो एक दिन के लिए हार्दिक ने उपवास करने की और घोषणा की और वो उपवास कल किया जाना था अहमदाबाद के निकोल इलाके में, लेकिन सरकार ने उसकी परमिशन भी नहीं दी। उसके बाद हार्दिक को कल देर शाम हिरासत में ले लिया गया, हार्दिक को हिरासत में रखा गया और देर शाम छोड़ भी दिया गया, लेकिन उसका जो असर पूरे गुजरात में दिखाई दिया। जगह जगह पर पाटीदारों ने प्रदर्शन किया, खासकर अगर मैं सूरत की बात करूं तो सूरत में कुछ पाटीदार उग्र हो गए, देर रात तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि हार्दिक पटेल इनकार इससे कर रहे हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।